Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam paper 2. In this video, we are going to discuss your microeconomics subject. आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैम microeconomics की जो वीडियो है वो फिर से बनाइए. So keeping that in mind, we are going to discuss microeconomics today, where we are going to cover our MCQ questions. और MCQs को discuss करके हम कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी यहीं से हो जाए और अगर आपकी तैयारी में कोई भी गैप्स थे तो उसकी कॉन्सेप्ट्स भी वो यहीं से रिवाइज हो जाए. सो मेरा मोटिव इन वीडियो से यही रहता है ताकि आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप वो सॉल्व कर लें. सो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. Whenever you are preparing for such an exam, जहाँ पे आपको MCQs आएंगे तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए. ग्रेजुएशन मास्टर्स हमेशा ही यू हैव एक्चुअली सॉल्व अ थ्योरेटिकल पेपर जिसके अंदर आप थ्योरी लिख के आते थे और कुछ ना कुछ पार्ट उसका करेक्ट कराते थे, पर यहाँ पे एक्चुअली यू गेट बाइनरी मार्किंग. अगर सही आंसर होगा तो यू विल गेट मार्क्स एंड अदरवाइज यू वुड नॉट गेट एनी मार्क्स. तो MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's get into the video. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. मैं आपकी जो क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स की मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे लेती हूँ at 6 PM. तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है. So let's start with question number 1. Which of the below mentioned statements are incorrect? Sorry, A part is MC is greater than AC when AC is rising, MC is less than AC when AC is falling, C is AC is equal to MC when the slope of AC is zero, and D part is none of the above. MC is actually your marginal cost and AC is your average cost. So let's discuss the concept and kindly let me know in the chat box what do you think is the correct answer. So starting with your two graphs. जब भी आपको एसी और एमसी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो ये दो ग्राफ आपके दिमाग में हमेशा पॉपअप कर जाने चाहिए. ग्राफिकली आप किसी भी चीज को याद रखते हैं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहता है और यहाँ पे हम इन सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, समझेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं, बट वी आर गोइंग टू डिसाइफर एवरी सिंगल पार्ट ऑफ एमसी एंड एसी सो दैट वी कुड कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इस यही क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाए. So, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, मुझे ये वाले ग्राफ में आपको दिखाना था. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज दिस कर्व और ये हमेशा ही फॉल करती रहती है. एंड द नेक्स्ट कर्व इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसका एक मिनिमम पॉइंट आता है जहां तक वो फॉल कर रही होती है और उसके बाद इंक्रीज करती होती है. एंड एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही होता है कि वो डिमिनिश होती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज क्योंकि उसके अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी एक फैक्टर है. सो कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट ग्राफ, ये वाला ग्राफ में एमसी जो है आपका वो रेड कर्व से डिटरमाइन हो रहा है और एसी जो है वो आपका एक यू शेप्ड कर्व है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लू कर्व. तो इसी कर्व से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे. When both AC and MC is falling, तो ये graphically कौन सा part हो गया, ये वाला part. When both AC and MC is falling, then what is happening? Your AC is greater than MC. So जो आप graph से भी देख सकते हो कि जो आपका blue curve is greater than your red MC curve. So this is something that we have understood. Next is when both are rising. So we are actually discussing कि इस Q point से आगे जो curves हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. When both MC and AC are rising, तो आप क्या कह रहे हो, MC is greater than AC. This is very much clear from the graph. Next is when AC is falling but MC is rising. मतलब कि ये वाला part जहां पे आपके जो AC है वो fall कर रहा है लेकिन आपका MC increase कर रहा है, वहां पे आपका क्या है कि AC is greater than MC. तो ये वाली बात हमें ध्यान में हो गई कि जब भी एसी फॉल कर रहा है तब आपका जो एसी है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन योर एमसी. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ वी नो एमसी इज ग्रेटर देन एसी व्हेन एसी इज राइजिंग, दिस इज करेक्ट. एमसी इज लेस देन एसी व्हेन एसी इज फॉलिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एसी इज इक्वल टू एमसी व्हेन द स्लोप ऑफ एसी इज इक्वल टू जीरो. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट व्हेन दे इंटरसेक्ट, ये एसी का मिनिमम पॉइंट आ जाता है और मिनिमम में हमें पता है कि कोई भी मिनिमम आता है तो वहां पे जो स्लोप का होता है फैक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो. सो नाउ वी नो कि सी इज आल्सो करेक्ट. सो द रॉन्ग आंसर इज डी.
all of these statements are correct, so the correct answer is none of the above. I hope you have been answering in the chat box, and we'll discuss your question number 2. Consumer prefers higher IC curve over lower IC curve due to which of the following mentioned characteristics? So, आपको correct characteristics choose कर रहे हैं. हो सकता है ये सारे के सारे ही characteristics IC की हों. इंडिफरेंस कर्व के सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बट यू नीड टू चूज कि कौन सा पर्टिकुलर आईसी है जो कि इस प्रॉपर्टी के लिए रिलेटेड है. यार ए इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, बी इज लो प्राइसेस, सी इज मोर ऑफ वन गुड क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव. डी पार्ट इज नन ऑफ द अबव एंड यू नीड टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन. सो काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड वी लर्न द कंसेप्ट टुगेदर. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 सिनेरियोस लिए हैं. नंबर 1, 2, 3 जहां पे हम हर तरीके का इंडिफरेंस कर्व स्टडी कर लेंगे. हर केस में मैंने एप्पल्स और ऑरेंजेस का ही एग्जांपल लिया है. आप इसको किसी भी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो इन द फर्स्ट ग्राफ बोथ ऑफ दीज गुड्स आर नॉर्मल गुड्स और आप देख सकते हैं जो आईसी का कर्व है ये कॉन्वेक्स कर्व है. तो जब वो कह रहा है कि जब 1 से 2 पे इंक्रीज करता है तो आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर जाती है. इसका मतलब मोर ऑफ बोथ द गुड्स आर एक्चुअली प्रेफर्ड. तो आप आईसी 2 को एक्चुअली ज्यादा प्रेफर करेंगे आईसी 1 से. क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि यू आर गेटिंग मोर ऑफ बोथ द गुड्स. ऐसे ही नंबर 2 पे भी देख सकते हैं. ये दोनों और एप्पल्स और ऑरेंजेस इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और इन द ग्राफ 3 दे आर सब्स्टिट्यूट्स. तो दोनों ग्राफ में इनमें भी मोर ऑफ द गुड्स इज रिक्वायर्ड इज एक्चुअली प्रेफर्ड, तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगी. सो ये बहुत ही ज्यादा एक रेशनल अजम्पशन है. ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि यू एक्चुअली रीच टू अ हायर सेटिस्फेक्शन. आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड्स. तो ये कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी से लिए कंज्यूमरिज्म का ही एग्जाम्पल है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस की एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं. Monotonic preference means consumer preference are such that greater consumption of commodity is always offer him higher satisfaction. तो अब हमें पता चल गया monotonic preference जो property है आपके IC की that is actually responsible कि higher IC is demanded as compared to your lower IC because you reach a higher satisfaction point. So coming back to your question, now you know the correct answer is A. I hope you have been answering in the chat box and we'll discuss the question number 3. Question number 3 is, if a commodity is used for multiple purposes, then the demand for it is known from which of the following? So your options are A is joint demand, B is composite demand, C is direct demand and D is autonomous demand. So let's discuss the concepts. यहाँ पे मैंने ग्राफ किए हैं आपके लिए. ग्राफिकली किसी भी चीज को याद करना आई थिंक इज वेरी इजी. सो यहाँ पे भी हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे. आपके ए ग्राफ में है कार्स और यहाँ पे बी ग्राफ में वी हैव टेकन पेट्रोल. यहां से हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट डिमांड क्या होती है. सो अगर जो सप्लाई है कार्स की वो डिक्रीज कर जाती है तो यू कैन सी कि जो पेट्रोल है उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगी. When the supply of cars is actually falling, then you will demand less of petrol. क्योंकि जब आपके पास cars ही कम हो गई हैं, तो आप petrol भी कम demand करोगे. So these are joint demand. तो इसके एक बार definition भी पढ़ लेते हैं. Joint demand refers to the demand for certain goods like your cars and petrol, which are used together and hence jointly demanded. So this is your joint demand. Next is your कॉम्पोजिट डिमांड. यहां से आप मिल्क से समझ सकते हो. अब आपका जो मिल्क है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर मेकिंग योर टी और कॉफी. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर योर बटर एंड चीज एंड कर्ड एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्वीट्स और डायरेक्ट कंजम्पशन भी आप यूज करते हो. सो ये एक कॉम्पोजिट डिमांड है मिल्क की जो कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से आ रही है. इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे. Composite demand occurs from products having multiple uses such as milk which is used for so many purposes. So this is your composite demand. Let's discuss the next demand, direct demand. अब direct demand क्या होती है? उससे पहले direct demand को discuss करने से पहले you should know कि derived demand क्या होती है. So अगर आपको building बनानी है for example, then
you need to employ bricks, cement, sand, टिम्बर एंड आयरन. सो ये सारी जो डिमांड्स हैं ये डिराइव डिमांड्स हैं, क्योंकि ये डिराइव हो रही है फ्रॉम योर डिमांड ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग्स की डिमांड होती है, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इन सारी चीजों की डिमांड होती है. आप डायरेक्टली ब्रिक्स नहीं कंज्यूम कर रहे होते हो, सीमेंट नहीं कंज्यूम कर रहे होते हो, यू आर एक्चुअली डिमांडिंग बिल्डिंग्स डायरेक्टली. सो ये सारी चीजें यूज होती हैं इन मेकिंग योर बिल्डिंग. व्हेन यू कंज्यूम बिल्डिंग, व्हेन यू बाय सम बिल्डिंग, तो वो आपकी डायरेक्ट डिमांड है. इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं. डायरेक्ट डिमांड्स रेफर टू द गुड्स मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन. आप फाइनल कंजम्पशन के लिए आप ब्रेड है, मिल्क है, बिल्डिंग्स है, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली डिमांड करते हो और डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो. सो दिस इज योर डायरेक्ट डिमांड. और फोर्थ डिमांड थी हमारी ऑटोनोमस डिमांड, वो भी एक डायरेक्ट डिमांड का ही पार्ट है. इफ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ एनी अदर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग की डिमांड वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ एनी अदर गुड्स, तो उस डिमांड को कहते हैं हम ऑटोनोमस डिमांड. सो दिस कम्प्लीट्स योर टाइप्स ऑफ डिमांड टॉपिक. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में पूछा है इफ अ कमोडिटी इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पजेज. नाउ वी नो द आंसर इज बी, कॉम्पोजिट डिमांड, जैसे कि मिल्क की डिमांड होती है. सो आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द रिसोर्स एलोकेशन व्यू पॉइंट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज प्रेफरेबल बिकॉज देर इज ए पार्ट इज देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स, देर इज अ होल वेराइटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, सी इज द फर्म ऑपरेट एट एक्सेस कैपेसिटी लेवल, डी इज देर इज नो आइडल कैपेसिटी. सो यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब ये जो सारी फैक्टर्स हैं, अगर आप देखो तो परफेक्ट कंपटीशन के ही पार्ट हैं, लेकिन यू नीड टू सी कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है. रिसोर्स एलोकेशन व्यू पॉइंट से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन. सो काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड वी विल डिस्कस द कंसेप्ट. सो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है उसके क्या पार्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर देते हैं, और उसको हर एक बार में डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट इज योर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. होमोजेनियस प्रोडक्ट्स से क्या होगा, अगर आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो जो कंज्यूमर है उसकी कोई भी स्पेशल प्रेफरेंस नहीं रहेगी. स्पेशल प्रेफरेंस का मतलब जब सारे गुड्स एक जैसे होंगे तो वो कहीं से भी ले सकता है. अगर उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता तो उसकी क्या पता कोई प्रेफरेंस होती कि मुझे जो मिल्क है आई लाइक इट इन ब्लू पैकेजिंग और आई लाइक इट इन पिंक पैकेजिंग. सो गिवन दैट अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है गुड्स में तो वो कोई भी मिल्क कहीं से भी कंज्यूम करे वो सेम ही उसको सेटिस्फेक्शन देगा. नेक्स्ट इज योर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो इससे क्या होगा, आपका परफेक्ट कंपटीशन वर्क करेगा, और क्योंकि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेलर जो है वो पूरी की पूरी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता. सो एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन को हम प्राइस टेकर भी बोलते हैं, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज योर नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन. तो मार्केट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये बंदा आ सकता है अपनी फैक्ट्री लगा सकता है और ये बंदा नहीं आ सकता. सो देयर इज नो आर्टिफिशियल बैरियर्स टू योर परफेक्ट कंपटीशन. नेक्स्ट इज योर फ्री एंट्री एंड एग्जिट. तो सिर्फ एंट्री ही फ्री नहीं है, एग्जिट भी फ्री है, कि कोई भी बंदा आके अपनी फैक्ट्रीज लगा सकता है और वो एग्जिट भी कर सकता है कभी भी. सो इट इज अप टू हिम कि कब तक वो मार्केट का पार्ट रहना चाहता है. नेक्स्ट इज योर परफेक्ट इंफॉर्मेशन. सो जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन से फायदा क्या होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके कंज्यूमर के पास है उतनी ही आपके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर के पास है, तो कभी भी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं होती. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे मॉडल में. सो वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे. नेक्स्ट इज देयर इज नो आइडल कैपेसिटी. नो आइडल कैपेसिटी से मतलब है कि जब आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन का इक्विलिब्रियम आता है तो एक्चुअली आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एक क्वांटिटी भी प्रोड्यूस कर रही है हर एक फर्म, और वो अपना कोई भी रिसोर्स जो है वो मोनोपोली की तरह बचा के नहीं रख रही है. अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता था, वो अपना कुछ ना कुछ रिसोर्स बचा के रख लेती थी. क्यों बचा के रख लेती थी, क्योंकि उससे उसको कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा और वो हायर नंबर ऑफ प्राइजेस चार्ज कर सकता था. लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं कर सकता. सो देर इज नो आइडल कैपेसिटी. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन,
नाउ यू नो कि आपको दिख रहा है कि परफेक्ट रिसोर्स एलोकेशन किस पॉइंट में होगा, और नाउ वी नो कि द करेक्ट आंसर इज डी, देयर इज नो आइडल कैपेसिटी, क्योंकि अगर आइडल कैपेसिटी होती तो जो रिसोर्सेज है उसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तरह कोई ना कोई फर्म बचा के रख लेता. सो दैट इज नॉट द केस इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5. मार्जिनल रिवेन्यू विल बी पॉजिटिव इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 0. सो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे. काइंडली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या है. वी लर्न द कंसेप्ट टुगेदर. सो ये यहाँ पे मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है, ये बिल्कुल कंप्लीट ग्राफ है और उसको आप हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए ये वाला ग्राफ फॉर योर मार्जिनल रिवेन्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. और यहाँ पे हम डिमांड कर्व के भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो अगर मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह सिर्फ याद करने के लिए कुछ बताना हो तो ये एक मैं आपको दे देती है रिलेशन कि जो MR है उसका रिलेशन इलास्टिसिटी से क्या होता है, प्राइजेस का मल्टीप्लीकेशन 1 - 1/E से. सो ये वाला जो रिलेशन है ये भी आप याद रखो, ये भी लॉन्ग टर्म में या फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट हम कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या है ताकि हम लॉन्ग टर्म में भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. अब जब MR जो होता है विच इज एक्चुअली अ डिफरेंशियल ऑफ योर टोटल रिवेन्यू, वो जब जीरो होता है इस पॉइंट पे तो वो डिमांड कर्व को एक ऐसे पॉइंट पे कट करता है जो कि मिड पॉइंट हो आपके डिमांड कर्व का. डिमांड कर्व क्या है, ये कर्व AB. इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे. इस पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी जो होती है मिड पॉइंट पे वो इक्वल टू 1 होती है. अब इलास्टिसिटी क्या होती है, आपका जो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है PB डिवाइडेड बाय योर PA ऊपर वाला पार्ट. सो दिस गिव्स यू इक्वल टू 1. 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पे दोनों ही योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, सो इट इज इक्वल टू 1. सो आपको पता चल गया कि जब MR इज इक्वल टू 0 है तो आपका इलास्टिसिटी जो है वो 1 है. नेक्स्ट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इंफिनिटी है. और क्यों इंफिनिटी है, क्योंकि इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी वुड बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 0. सो यहाँ पे यार इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी. कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, पॉइंट B, व्हेन योर MR इज नेगेटिव तो जो ED है दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ED इज इक्वल टू 0 बाय AB. तो इस पॉइंट से लेके A से लेके P तक हमें पता चल गया योर ED योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और P से लेके B के बीच में योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. और यहाँ पे नेगेटिव है आपका MR और यहाँ पे आपका MR जो है वो पॉजिटिव है. तो आपको रिलेशन पता चल गया और हमने कुछ भी इसमें याद नहीं किया है. दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल. सिर्फ ये वाले जो दो ग्राफ है उसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो MR है वो मिड पॉइंट पे 0 होता है डिमांड करके. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि आपका मार्जिनल रिवेन्यू विल बी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव साइड में हमने देखा अपने ग्राफ से क्या था, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी ग्रेटर देन 1. सो अब यहाँ पे मोर देन 1 योर ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. हमने बहुत इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% आते थे. सो दिस कंप्लीट्स योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे आपने मुझे ये बताया था कि मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो बना दीजिए, मैंने आपको लिए तुरंत ये वीडियो बनाई. आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज ये बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ और मुझे ये बदल जाएगा कि आप लोग कितना आपको समझ में आ रहा है. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स प्लीज लेट मी नो, आई विल टेक अप दोज डाउट्स टू बिफोर योर एग्जाम. एंड प्लीज कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम. सो थैंक यू वेरी मच.